नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कल सुबह हुई दोहरे हत्याकांड की गुत्थी जल्दी सुलझने वाली है। पुलिस ने ऐसे अहम तथ्य एकत्रित कर लिए हैं जिसमें अब आरोपी ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक जो तथ्य मिले हैं, इस हत्याकांड में मृतकों की बेटी ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि कल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में दोहरा हत्याकांड हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ज्योति प्रसाद शर्मा और उसकी पत्नी नीलम की लाश बरामद की थी, जिसमें दोनों के धारदार हथियार से हत्या की गई थी। प्रारंभिक रूप से जांच में ये बात सामने आई है कि हत्या को अंजाम इनकी ही बेटी ने दिया है। लगातार पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पड़ोसियों की बयान के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी इस मामले में नया खुलासा होने वाला है। फिलहाल पुलिस की जांच लगातार जारी है। वहीं पुलिस कप्तान हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक कल तक इस मामले में खुलासा होने की संभावना है। वहीं जांच में पुलिस को इनकी बेटी द्वारा एक लिखा पत्र भी बरामद हुआ है, जिसकी हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है। वो पत्र इनकी बेटी द्वारा लिखा गया है। संभवतः इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम इनकी बेटी ने ही दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्दी इस मामले में खुलासा हो जाएगा। पुलिस को आज सुबह में इस बात की जानकारी मिली थी कि एक जवान जो कि एसएफ में वाहन चालक का काम करते थे और उनकी पत्नी, दोनों लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने जब तस्दीक की और वहां पे उपलब्ध साक्ष्यों की डिटेल्स निकाली, वहां पे आसपास के पड़ोसियों से बात की, वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज की जो जानकारियां थी, उन सब बातों से एक तथ्य स्पष्ट हुआ कि वहां पर घर के अंदरूनी तौर पर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई नजदीकी व्यक्ति है, कोई रक्त संबंधी है जिसके द्वारा यह घटना की गई है, और साथ साथ बाहरी व्यक्ति का उसमें सहयोग हो सकता है। प्रारंभिक तौर पे आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने बताया कि वहां पर एक उनकी बेटी सुबह तक वहां टहलती हुई देखी गई थी, जो कि घटना के बाद की स्थिति थी। और उसके बाद घटना के समय पुलिस के पहुंचने तक वो बच्चे वहां पे, उनकी जो बेटी थी वो भी गायब थी। इस बारे में कुछ संदेहियों को चिन्हित किया गया है। इसमें एक लड़का जिसका वहां पर आना जाना था उसे, और कुछ और संदेहियों को इसमें चिन्हित किया गया है। इसमें पत्र भी मिला है, उस पत्र के आधार पर भी जो प्रारंभिक उसमें जानकारियां हैं उनकी पुलिस उन तथ्यों की पड़ताल कर रही है। उम्मीद है कि चूंकि संदेहियों को नामांकित किया जा चुका है, उनको पहचान किया जा चुका है, उन्हें रेखांकित किया जा चुका है, तो उनके पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। उनके पकड़े जाने के बाद पूरी स्थिति, पूरे परिस्थिति से पर्दा हटेगा, पूरी घटना का खुलासा होगा। बहरहाल पूरे घटना की जो परिस्थितियां हैं, पूरे घटनाक्रम की जो वस्तु स्थिति है, काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। संदेहियों के इसमें नाम आ चुके हैं। अब अंतिम रूप से पर्दा हटने के लिए पुलिस लगातार प्रयास करे कि पकड़े जाए और घटना का अंतिम रूप से पटाक्षेप हो जाए। सर, पत्र में किस बातों का जिक्र है, क्या लिखा है? घटना में कुछ मुख्य तौर पर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी चीजें हैं जिसे पुलिस विस्तार से जांच कर रही है। बहरहाल उसमें इस बात का जिक्र है, इसमें स्वीकृति है कि हत्या उसके द्वारा की गई है। बहरहाल जो भी परिस्थितियां हों उस समय, जिन परिस्थितियों में घटना घटित हुई, उनमें इन आरोपियों से पूछताछ के बाद ही उस बिंदु का खुलासा हो पाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट